अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एज यूजुअली मैं शॉप पर ही बैठा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने लाग बनाई है और वो कहते हैं जी गैस हमारी बोतल्स में नहीं बन रही, तो परेशान ना हो। ये अभी मैं आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर मैं खुद मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाग की बनाई थी और उसकी एक दो बोतलें मैंने बना के रखी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी गैस बन रही है। तो उनको भी बने हुए कोई महीना तो होने वाला है, 20-22 दिन। तो दोस्तों इसी में टेंशन नहीं लेनी, चीज़ बनाई ठीक है, बेहतर तो यही होता है कि बेहतर वक्त पर बनाई जाए तो जल्दी तैयार हो जाती है। और इसमें याद रखना मेरी जितनी चीज़ें इसमें सनलाइट का, सूरज का, गर्मी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है और ये जल्दी तैयार भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। ठीक हो गया, मैं शॉप पर ही बैठा हूँ। एक चीज़ लाग नीचे गिर गई, ये लाग की बोतल, ये आपको चीज़ दिखाता चलो। आज कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। ये ले जी, ये यादगार निकाल लीजिए। ये क्या जी? ये चराई है बेटा, इधर ऊपर ला के जरा इसके ऊपर यहाँ बनाओ। सर इसके अंदर आज 20-22 दिन हो गए हैं मैं शॉप पे बैठा हूँ। मेरी शॉप पर ही हैंग हुई हुई है लास्ट वीडियो से, उससे पहले घर थी जब इसकी वीडियो बनाई थी, उसके बाद से अब तक ये मेरी शॉप के ऊपर ही। देखें 19-20 भी फ़र्क पड़ा हो तो सर बताएं, इसमें रत्ती बराबर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। जैसे फर्स्ट डे बनाई थी वैसे ही आज तक है। इट्स मीन्स कि अगर आप अपनी चराई को तरीके से रेडी कर लें कि आपने, ठीक है, आपने शिकार पे जाना होता है, एक दिन में सारी तैयारी करते हैं तो परेशानी होती है, तो ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं होती। आप इसको इन दिनों के अंदर थोड़ा सा टाइम पे पहले भी बना सकते हैं, मसला नहीं है। गर्मियों में प्रॉब्लम होगा, इन दिनों में प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके सामने है, देख लीजिए, बिल्कुल फ्रेश जिस हालत में बनाया था वैसे का वैसे है। तो साथ के साथ ये देखते चलें, आपको भी मैं दिखाता हूँ कि बोतल जो मैंने खोली उनके अंदर गैस कैसे बनी, प्रेशर कैसे है। आप यकीन माने जी, जिस तरह से इसकी खुशबू और जो स्ट्रेंथ इसकी उस वक्त थी, जो आज से 20-22 दिन पहले जो भी थी, सेम टू सेम 19-20 का फ़र्क नहीं है। इसकी बनावट के अंदर जो बनाया था, इसकी स्मेल के अंदर, इसकी जो एक अपनी ख़ास स्ट्रेंथ है उसके अंदर कोई भी रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है दोस्तों। ये यहीं शॉप के ऊपर लटका हुआ था तो मैंने कहा चलो आप दोस्तों दिखा दूँ। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जो आप दोस्तों को शिकार की दी हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करें, रिज़ल्ट मिलेगा सबको और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। ये देखें जी, ये वो पैकेट है खल बाखड़ा का, ये पैकेट आ गया जनाब चराई पाउडर का, और ये आ गई सर खल अकर करा। ये खल अकर करा है तीसरी चीज़, ठीक हो गया। ये आप सब दोस्त जानते हैं कि ये लाग है दोस्तों, और कक्को जो है, कक्को की बोतल नीचे गिर गई है। तो काइंडली आप लोगों से मैं वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पे मैं अभी गैसेस निकालूंगा बोतल्स की, थोड़ी थोड़ी सी लाइट सी वो है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप दोस्तों का अपना चैनल है। और दोस्तों एक चीज़ और जहन में रखिएगा, किसी चीज़ से घबराना, परेशानी होना होना बार बार बता रहा हूँ, बना लेनी थी उस वक्त में तो अब तक तैयार हो जाती है। और अब सीज़न स्टार्ट है, जनवरी से लोग शुरू हो जाएंगे शिकार पर, खेल रहे हैं अभी भी, तो डैमो वगैरह के ऊपर तो जनाब भरपूर तरीके शिकार खेल रहे हैं। यहाँ जनूबी पंजाब साइड के ऊपर कम खेल रहे हैं क्योंकि धुंध वगैरह और सर्दी यहाँ पे खुश्क होती है, तो भरपूर इंजॉय करें, शिकार खेलें और अपनी दुआ में रखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। देखें ये लाइन से बोतलें लगी हुई अभी तो ये हैं, इसके अलावा और बोतल अभी, ये देखिए ये ओल्ड बोटल्स हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं गैस नहीं बन रही। मैंने अभी आप लोगों के लिए लाग का बनाने का सिस्टम बताया था कि लाग कैसे बनानी है। अब देखिए मैं चेकिंग कैसे करता हूँ, मैं बोतल दबा रहा हूँ, ये दब रही है, बोतल दबा रहा हूँ, ये टाइट है, बहुत टाइट हो गई है, एक ही वक्त बनी हुई है। देखिए ये टाइट पत्थर की तरह हो गई है, ये टाइट हो गई है, ये टाइट हो गई, ये नरम, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैंने बोतल उठाई, ये देखिए दोस्तों, इधर बेटा करीब लेके आओ, ये देखिए, ये मैंने बोतल साफ, ये देखिए सारा ये पोर्शन जो है ना, ये देखिए ये यहाँ पर इकट्ठा हुआ हुआ है एक जगह के ऊपर, ठीक है, जगह नहीं छोड़कर। ये देखिए गैस ऊपर आ रही है, तो ये इसके अंदर, ये देखिए नरम, मैं इसकी गैस निकाल, ये पुरानी है, नई नहीं है, ये पुरानी है, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया ताकि इसका जो मिक्सचर है ये अब मिक्स हो जाए। ये इसको मैं देखते हैं जी, इसमें कितनी गैस है, इसको हल्का हल्का से मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा पीछे हो, पीछे, ये देखिए, ये देखिए आवाज़ करीब लाओ, देख रहे हैं आवाज़,
अब मैं दबा रहा हूँ, ये दबना शुरू हो गई, ये गैस इसकी मैंने प्रॉपर, ये देखे अब ये दब रही है, मैंने निकाल दी ना, ये अब दब रही है। इसको मैं वापस रख देता हूँ, ये देखिए ये भी सख्त, इसको भी देखते हैं जी, करीब लो बेटा। निकल लीजिए गैस, ये ले जी नरम हो गई, इसको मैंने बंद कर दिया, ये देखिए ऊपर से नीचे सारी गैस आ गई। इसी तरीके से ये छोटी बोतल है, इसको देखते हैं जी, ये भी इसकी भी गैस निकाल दीजिए। तो मैं इसको चेक करता रहता हूँ, ये इस तरह नहीं है, अगर फौरन से चीज़ को हो जाए तो चलते हैं आप वीडियो के अगले हिस्से।